पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी प्रदेश महासचिव महेश शर्मा ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। वहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार नफरत अलगाववाद का माहौल पैदा कर रही है। इसी के चलते भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस द्वारा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी विधानसभाओं में ये यात्रा की जा रही है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड नहीं जा पा रही है, जिसके चलते उत्तराखंड की भी सभी विधानसभा में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। कालाडूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। आज हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है और मीडिया का उसमें दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया का उसमें दुरुपयोग हो रहा है, असल बात जनता तक पहुँच नहीं रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, अलगाववाद को जन्म दे रही है, उसी प्रकार कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा एक कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक निकाल रही है।